दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। गाजियाबाद कोरोना न्यूज। जी हां, 17 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पेरेंट्स की अब ये परेशानी है कि बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। 17 अप्रैल की नई जानकारी है जिसे आपको जान लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, कोरोना न्यूज के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया है जिसमें गाजियाबाद में शुक्रवार को एक दिन में ही कोरोना के 36 नए मामले आने के बाद शनिवार को दिन थोड़ा राहत भरा रहा, क्योंकि शनिवार को यहां 17 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 2 छात्र शामिल हैं। इसके अलावा 12 वर्ष की आयु तक 1, 13 से 20 आयु वर्ग के 2 और 21 से 40 आयु वर्ग के 5 और 41 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के 8 लोग और 1 सीनियर सिटीजन शामिल हैं। शनिवार को 4 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 90 संक्रमितों का होम आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। संक्रमण बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग टीमों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा 7 निजी स्थानों पर भी कोरोना जांच बूथ बनाए गए हैं। 6 मोबाइल टीमें स्कूल, घर और बाजारों में टेस्टिंग कर रही हैं। सभी टीमों में 1 लैब टेक्नीशियन और 1 सहायक को रखा गया है। संक्रमण हल्का पड़ने पर टीमों की संख्या घटकर 28 कर दी गई थी। इसके साथ ही संक्रमितों के घरों और स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। अब वही बता दें तो स्कूलों में टेस्टिंग पर फोकस किया गया है, क्योंकि स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी और उनके अनुसार गाजियाबाद में अब तक 22 स्टूडेंट और 4 टीचर्स संक्रमित मिले हैं। और ये वजह है कि पेरेंट्स अब परेशान हैं कि बच्चों को स्कूल भेजे या ना भेजे, क्योंकि संक्रमण ऐसे ही बढ़ेगा तो बच्चे संक्रमित होंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगाया गया और संक्रमित जल्दी हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। चैनल पे आपको इस प्रकार का लेटेस्ट अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।